सरकार बहुत गलत है जो हिंदू को पटाखे पटकाने पे जुर्माना भरना पड़ेगा हिंदुओं को। हिंदू अपनी खुशी से एक त्योहार भी नहीं मना सकता बे। और क्रिसमस आता है उस पे पटाखे जुड़े उस पे क्यों नहीं, ये एडवर्टाइजिंग में भी देंगे भाई पटाखे मत छोड़ो। अमीर खान खुल के बोलता है कि पटाखे मत छोड़ो, आलिया भट्ट जैसी बड़ी बड़ी हीरोइन ये सारे के सारे ज्ञान झाड़ने दिवाली पे हिंदू त्योहारों पे आते हैं। पटाखे मत दगाओ, हिंदुओं का जब त्योहार आता है तो कहते हैं पटाखे का लाइसेंस देने के बाद कहेंगे पटाखे नहीं दगेंगे, प्रदूषण फैल जाएगा। और लोगों का त्योहार आता है तो कहते हैं पटाखे दगाओ, खुशी मनाओ। ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं उनका बयान है ये बहुत अच्छे। और जबकि हिंदुओं में पटाखे दगने चाहिए, सबसे बड़ा ये त्योहार होता है। पॉल्यूशन हो रहा है पटाखे, और त्योहारों में लोगों के प्रदूषण नहीं होता है। उनसे पूछिए जरा कि और लोगों का ईद है मुहर्रम में तो प्रदूषण नहीं होता है, तब तो खुशी मनाई जाती है। तो इसके मतलब कि वो हिंदू नहीं, खुद पाकिस्तानी है अरविंद केजरीवाल जी। मैं तक अंकल अंकल इधर आइए। आप कह रहे भाई साहब, आप कह रहे हिंदू नहीं है, कहाँ से है वो? अरे कट्टर हनुमान भक्त। कहाँ से हनुमान भक्त है वो? हनुमान भक्त होते ना तो आप वो अपनी तुलना राम से कर रहे हैं। कह रहे हम तो राम से तुलना कर रहे हैं, वो राम से तुलना कर रहे हैं आज। आप उनको हिंदू नहीं मान रहे? हम तो नहीं मान रहे भैया। क्यों नहीं मान रहे? नहीं मान रहे। पटाखा क्यों लाइसेंस देकर फिर रद्द कर रहे हैं बताइए? पटाखे क्यों नहीं दगाएंगे हिंदू बताओ? ये पटाखे क्यों नहीं दगाएंगे? दिवाली की एक इतनी बड़ी खुशी होती है कि पटाखा दगाया जाता है, क्यों नहीं दगाएगा पटाखा भाई? पॉल्यूशन हो रहा है पटाखों से। अच्छा, और उनके मुहर्रम में पटाखे देखते तो पॉल्यूशन ही होता है? तब नहीं होता, तब पूछे क्यों नहीं होता, बताए ना उस चीज को। सुने बात ये है, अभी दिवाली आई है, अभी फेसबुक उठा ले, अखबार उठा ले, उसमें केजरीवाल ने 200 रुपए जुर्माना और 6 महीने की सजा पटाखे पड़ा। भाई एक बात बता, जब हमारे हिंदू के त्यौहार आवे सारे नियम कानून जब ही लगते हैं भाई। अरे मैं न्यू कहूँ मुसलमान हो तो न्यू कहो तुम बिना बकरे के ईद मना के देखा भाई? हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उनके बकरे से, कुछ नहीं, दिन रात खूब करो, पर भाई हमारा भी तो त्यौहार है। होली पे न्यू कहेंगे कि भाई रंग से तुम्हें वो होगा इन्फेक्शन है ना भाई? सब मैं न्यू नहीं कह रहा कि मुसलमान भाई अपना त्यौहार ना खुल के मनाओ भाई, पर हमने भी तो आज दे दो ठीक है। तो मैं न्यू कहूँ अभी जितने भी हमारे जो बैन लगाया केजरीवाल जी ने, सही लगाया गलत लगाया? वो गलत है भाई, दो तरह वो गलत है क्योंकि हिंदू लोग अपना त्यौहार नहीं मना सकते अच्छे से, है ना। एक दिवाली का इतना अच्छा त्यौहार आता है जो पूरे भारत में बहुत अच्छे से मनाया जाता है ना, फिर भी क्या इस पटाखों पे बैन लगा दे? बच्चे अपनी खुशी से खेल भी नहीं सकते बाहर निकल के, है ना। पटाखों पे बैन लगाना बहुत गलत है। जब उनके एक एक विधायक मंत्री बनते हैं तो उनके कार्यकर्ता पटाखे फोड़ते हैं, उस पर कोई सवाल नहीं। जीतते हैं तब भी फोड़ते हैं भाई, है ना। एक हिंदू हिंदू के त्योहार पे ही अक्सर होता है, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, है ना। न्यू ईयर पे क्यों नहीं बोलते? और क्रिसमस आता है उस पे पटाखे जुड़े उस पे क्यों नहीं, ये एडवर्टाइजिंग में भी देंगे भाई पटाखे मत छोड़ो। अमीर खान खुल के बोलता है कि पटाखे मत छोड़ो, आलिया भट्ट जैसी बड़ी बड़ी हीरोइन ये सारे के सारे ज्ञान झाड़ने दिवाली पे हिंदू त्योहारों पे आते हैं। पर मैं न्यू पूछना चाह रहा हूँ भाई साहब, और भी तो त्यौहार आते हैं, क्रिसमस आता है और न्यू ईयर आता है, उस पटाखे नहीं छोड़ते? और हमारे मुसलमान भाइयों का जो मुहर्रम होता है जैसे ताजिया निकलते हैं वो उनके उस वो भी जश्न मनाते हैं, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं भाई साहब, पर इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ खेस लगती है। केजरीवाल जी का जो निर्णय है उससे आप नाराज हो? बिल्कुल नाराज है भाई साहब, बिल्कुल 100% नाराज है। अभी यूपी में जाके देखो पटाखों पे किसी तरह का बैन नहीं होगा, खूब अच्छे से दिवाली मना सकते हैं यूपी में जाके, है ना। वाले क्या लगता है त्योहार अच्छे से मनाए? अरे धूमधाम से। प्रदूषण जो है वो हिंदुओं के त्योहारों पे? नहीं नहीं भैया ये गलत है। अगर ऐसी बात है तो मैं कह रहा हूँ जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस की जिनके जहाज उड़ रहे हैं क्या उनसे पोल्यूशन नहीं होता? उनसे भी तो होता है ना, लगाओ ना उन पे बैन। एक अभी मैं आपको नाम एयरलाइंस का नाम भूल गया, उसने ना ये टर्की पटाखे वालों पे ब्लेम लगाया था कि तुम्हारे जो पटाखे हैं मतलब पोल्यूशन फैलाते हैं, और उसने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया कि जो तुम्हारे एयरलाइंस है क्या ये विदाउट पोल्यूशन वाले, पहले अपना पोल्यूशन खत्म करो तब हमारे पटाखों पे ऑब्जेक्शन उठाना ठीक है। तो यार ये मतलब एक ऐसी थिंकिंग बन गई है कि कुल मिला के हिंदू को गला दबाना, और कोई नहीं अपने हिंदू भाई भी दबा रहे हैं, अपने हिंदू भाई भी दबा रहे हैं। मैं ये मुसलमानों को ब्लेम नहीं कर रहा, वो अपने भाई हैं ठीक है, मेरी वाइफ है कोई टेंशन नहीं ठीक है। अच्छा मैम एक बात बताइए, जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया है कि बैन लगाया जुर्माना लगाया जाएगा, जेल भी हो सकती है, तो क्या लगता है कि हिंदुओं के त्योहारों पर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं? ऐसे पर वो सरकार बहुत गलत है जो हिंदुओं को पटाखे पटकाने पे जुर्माना भरना पड़ेगा हिंदुओं को। हिंदू अपनी खुशी से एक त्योहार भी नहीं मना सकता ठीक है ना। तो मैं तो ऐसी
सरकार से हाथ जोड़ती हूँ। केजरीवाल जी से हाथ जोड़ती हाथ जोड़ती हूँ। एक सवाल ये भी उठाता है कि एसी में बैठ के इतना पोल्यूशन करने वाले लोग हिंदुओं के त्योहारों पे ज्ञान देते, कभी पानी बचाने की बात करते हैं, कभी नवरात्रि में कुछ और बचाने की बात करते हैं कि दीपावली में। अक्सर यही होता है कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, प्रदूषण फैल जाएगा, बच्चे बीमार हो गए, पटाखे मत छोड़ा। अक्सर हिंदुओं के त्योहार पे ऐसा होता है। परमिशन मिलना चाहिए, परमिशन मिलना चाहिए, जेल हो जाएगी अगर पटाखे पटकाओगे तो। कुछ नहीं होगा क्या अंकल? पटाखे पर जिस तरीके से बैन लगाया केजरीवाल जी ने, ये हिंदुत्व के खिलाफ है और हिंदू को दबाया जा रहा है भाई साहब, हमारे हिंदुस्तान में रहते हुए भी। तो केजरीवाल जी का जो निर्णय है, कह रहे पोल्यूशन कम हो जाएगा इससे अगर पटाखे ना चलाएं तो। गाड़ी बंद कर दो ना, गाड़ी बंद कर दो कुछ दिनों के लिए, अपनी गाड़ी उससे पोल्यूशन फैल रहे हैं, क्यों नहीं बंद करने चाह रहे हैं सरकार? और पब्लिक को क्यों दबाया जा रहा है ये बता दो। हर त्योहारों में, हिंदू का त्यौहार हो चाहे थी में, उसमें हर बैंड लगा दिया जा रहा है सरकार, क्यों ऐसे क्यों किया जा रहा है? क्या वजह है कि केजरीवाल जी जो निर्णय ले रहे हैं, क्या दर्शाता है? केजरीवाल जो ले रहे हैं ना निर्णय, ये एक तबके को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं, इसलिए ये ऐसे कर रहे हैं सरकार। ये ऐसा कर रहे हैं जी जी। होली पे पानी की पाबंदी हो जानी चाहिए, पानी बर्बाद हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, दीपावली पे पोल्यूशन हो गया। क्या लगता है अभी उनके मंत्री बने हैं एक विधायक, उसमें पटाखे पटकाए गए, लोग कह रहे हैं कि तब पोल्यूशन नहीं हुआ। पोल्यूशन तो भैया आज हिंदुस्तान में कहाँ नहीं पोल्यूशन है ये बता दो ना। इसके लिए त्यौहार बनाना बंद कर दे हिंदुस्तान में, आप बता दो। क्या सर त्यौहार मनाना बंद कर देंगे? नहीं नहीं, फेस्टिवल तो चाहे कोई भी हो, किसी को कोई भी त्यौहार हो, किसी भी धर्म का त्यौहार हो, त्यौहार तो मनाना चाहिए। लेकिन ये है कि उसका जो मतलब एक तरीका है, जैसे पानी के लिए बोलेंगे, होली में बोल देते हैं पानी बिल्कुल बंद करो, पानी की वेस्टेज होती है। तो पानी आप देखिए, लोग क्या करते हैं कि जैसे घरों में टंकी है जिन्होंने बोर कर रखा है, तो टंकी लगा के पानी चालू कर देंगे, उस टाइम हजारों लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। के दिन याद आएगा, उस दिन याद आता है, होली के टाइम पे याद आता है। पॉल्यूशन का ये है कि पटाखों से उतना पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, जितना लोग मतलब जैसे जगह जगह पे पराली होती है या मतलब ये कूड़ा होता है, उसको गाइडेंस जब सरकार मतलब बोलती है कि भाई इसको नहीं करना है, फिर भी उसको जो है लोग अपने मन माने कि नहीं जी हम तो करेंगे, हमें ठंड लग रही है, हमें ये हो रहा है। ये बताइए जो निर्णय लिया गया है दिल्ली सरकार का कि पटाखे ना जलाएं, दिए जलाएं, प्रदूषण से बचें, तो सही निर्णय है गलत है? देखिए दिल्ली दिए तो अपनी जगह, दिए का महत्व अलग है, पटाखों का आतिशबाजी का अलग महत्व है। दिए ये है कि दिए इसका काम करता है, जो ये मतलब लाइट है, चाइनीज लाइट है, उसका रिप्लेसमेंट है वो दिया, मतलब उसके जगह का काम करता है। और पटाखे जो है, पटाखे एक मतलब आनंद हर्षोल्लास। पटाखे जलाओगे क्या? अब जलाएंगे कहाँ से जब कहीं वो अवेलेबल ही मिल ही नहीं रहे, कहीं कहाँ से जलाएंगे बताइए। निर्णय वापस लेना चाहिए क्या सरकार? कुछ मतलब ये है कि जितना लोग चाहते हैं उतना ना हो, लेकिन कुछ उसमें मतलब थोड़ा सा उसमें रियायत होनी चाहिए, थोड़ा सा उसमें होनी चाहिए। सर क्या कहोगे, पटाखों पर तो बैन लगा दिया गया है? बैन नहीं लगाना चाहिए बिल्कुल भी। हाँ। पोल्यूशन हो रहा है उससे। साल में प्रदूषण क्या हो जाएगा, एक दिन में दिवाली होती है। हाँ। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो बहुत पटाखे छोड़ते हैं। बात है जो फैक्ट्रियां बेचारे जो पूरे साल माल बनाते हैं, उनका माल कौन खरीदेगा बताइए आप? अच्छा ये कह रहे हैं कि लोग केजरीवाल जी हिंदू विरोधी हैं, ऐसी बात है? हकीकत बात है ये, तो अपने आप को हनुमान भक्त बता। हकीकत है ये, हकीकत है। फिर त्यौहार क्यों नहीं मनने देता हमारा? हाँ। त्यौहार भी तो मनने देता हमारा, फिर हमारा त्यौहार क्यों, हमारे त्यौहार पर क्यों रोक लगाता है जी? तो पटाखों पे जो बैन लगाया वो नाराज किया बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, थोड़ी बहुत ही है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बैन नहीं करने चाहिए, बिल्कुल नहीं। त्यौहार पटाखों का त्यौहार, हम भी त्यौहार मनाएंगे और व्यापारियों को भी नुकसान है इसमें। जो साल भर पटाखे मनाते हैं तो वो माल कहाँ बेचेंगे जाके? और सवाल बनता है इसमें रोजी रोटी का, मतलब जो सोचेंगे बेरोजगारी होगी, महंगाई होगी, परेशान है, बेरोजगारी थोड़ा बहुत मतलब किसी का दो चार दिन अगर चलता भी है तो अच्छी बात है, चलना चाहिए सारी चीजें। पटाखों पे बैन नहीं होना चाहिए? बैन मतलब थोड़ा हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यस यस, बैन नहीं होना चाहिए। यस यस, बैन नहीं होना चाहिए। केजरीवाल जी ने तो कर दिया, इसके बारे में मैं कुछ बोध ही मुमकिन है। हाँ। बहुत टाइम बाद इतने बढ़िया प्रधानमंत्री मिला। क्या बढ़िया किया है? साले खाने वाले बढ़िया क्या नहीं करा उसने? हाँ। क्या नहीं करा? जहाँ ज्यादा है उसकी परसेंटेज देखिए, कितनी परसेंटेज है उसकी? हाँ। कितने 90% उसको चाहते हैं पब्लिक। अच्छा। हाँ। उनको चाहते हैं। हाँ। भाई साहब तो कह रहे हैं कि बहुत हो गया टाइम। कोई बात नहीं, टाइम हो गया क्या, जब तक ये है ना, जब तक
कोई इसको हटाने वाला पैदा नहीं हुआ, बता दिया मैंने। राहुल गांधी हो तो गए और वो खत्म हो गई फिल्म उनकी, उनकी जमानत जब्त हो गई। तुम कह रहे हो, कह रहे भारत जोड़ेंगे हम, भारत जोड़ लिया पैदल ही, एक मिनट रुक जाइए, वो पैदल ही चलेगा और कुछ नहीं करेगा। अच्छा ये बताइए, कह रहे महंगाई की मार है फिर भी मोदी सरकार, तो क्या हो गया, कमाई भी तो बढ़ गई, इतनी कमाई बढ़ गई, बताइए बढ़ गई, क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बस, ये कुछ नहीं, ऐसा कुछ वो कस्टमर नहीं पसंद करता है बीजेपी को।